पहला कुरिन्थियों तीसरा अध्याय। हम कई महीनों से मसीही विश्वासी के व्यावहारिक जीवन का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे प्रैक्टिकल जीवन में, व्यावहारिक जीवन में, दिन प्रतिदिन के जीवन में हमको किस तरह का जीवन बिताना चाहिए, उस संदर्भ में अगली बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों तीसरा अध्याय, यहाँ काफ़ी सारी बातें हम देखते हैं। इसमें से एक हिस्सा दो हफ्ते पहले हमने देखा था, जहाँ मैंने ये बात याद दिलाई थी कि ये जो नए नियम का युग है, इस युग में प्रभु यीशु ने नींव डाल दी है। नींव प्रभु यीशु है। हम में से हर व्यक्ति इस जीवन में अपने कर्मों के द्वारा उस नींव के ऊपर निर्माण कर रहा है, और निर्माण करने के लिए प्रभु का वचन हमको याद दिलाता है, सोना चांदी या बहुमूल्य पत्थर, इनसे निर्माण किया जा सकता है। उसके अलावा घास फूस और इस तरह की चीज़ों से, लकड़ी से भी निर्माण किया जा सकता है। यहाँ सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर मसीही विश्वासी के ऐसे कर्मों को दिखाते हैं जो उसके लिए उचित है या जो उससे उम्मीद की जाती है। लकड़ी और घास फूस ऐसे कर्मों के बारे में इशारा करता है जिनकी हमसे उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन जो हमारे जीवन में जाने या अनजाने आ जाते हैं। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि जो कर्म हमारे जीवन में नहीं आने चाहिए, हम में से हर व्यक्ति की कोशिश ये होनी चाहिए कि जाने या अनजाने वो हमारे जीवन में प्रवेश ना करें। इसी अध्याय के शुरू के हिस्से को आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जहाँ इस बात के बारे में चर्चा की गई है कि आत्मिक कौन है, अनात्मिक कौन है, कौन व्यक्ति है जो अपने जीवन में आत्मिक है, और अनात्मिकता के लक्षण क्या है। इंग्लिश में कहा जाए तो स्पिरिचुअलिटी और कार्नालिटी, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, और हमारे जीवन में इनके इन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प विषय है, क्योंकि इस विषय के बारे में प्रभु के वचन में इधर उधर जो बातें कही गई हैं, कई बार उन बातों को भूलकर हम लोग अपनी इच्छा से आत्मिकता और अनात्मिकता के लिए तमाम तरह के मापदंड बना लेते हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है, इसको जरा हम देखें। तीसरे अध्याय के आरंभ में हम देखते हैं, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। हर व्यक्ति, खासकर जिसने प्रभु यीशु का शुभ संदेश दूसरों को सुनाया है और लोगों को प्रभु की तरफ खींचा है और लोगों को प्रभु में जो व्यक्ति लाया है, और जिस व्यक्ति ने आत्मिक जीवन में ऐसे लोगों का पालन पोषण किया है, वो व्यक्ति ये उम्मीद करता है कि ये प्रभु यीशु में जो बच्चे हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु में जन्म लिया है, जो प्रभु यीशु की मंडली के सदस्य हैं, उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वे लोग आत्मिक जीवन बिताएंगे। सी, हमको एक नया जीवन इसीलिए तो दिया है, हमको एक परिवार के अंग इसीलिए तो बनाया है कि उसके बाद इस परिवार के बच्चों के समान हमारा जीवन हो, और जब इस परिवार के बच्चों के समान हम जीवन बिताएंगे तब वो जीवन आत्मिक जीवन होगा। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। कमाल हो गया, कुरिन्थ में, सी पहला कुरिन्थियों का मतलब है कुरिन्थ नाम की जगह पर जो प्रभु यीशु की मंडली थी, उस मंडली को ये पत्र लिखा गया है,
और ये जो पत्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, इसमें शुरू में ही हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु का शुभ संदेश कुरिंथ में पहुंचा, तो बहुत ही शक्ति और बहुत ही सामर्थ्य के साथ पहुंचा और लोगों ने बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा के साथ उस वचन को सुना और बहुत ही ज़्यादा उसमें रुचि लेकर प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया और आत्मिक जीवन बहुत ही शक्तिशाली तरीके से बिताने की उन लोगों ने कोशिश की। लेकिन इस तरह से प्रभु का वचन वहाँ पहुँचा, उसके थोड़े से सालों के बाद प्रभु के दास पौलुस के द्वारा उनसे कहा जा रहा है, या सही कहा जाए तो पवित्र आत्मा अपने दास पौलुस के द्वारा कुरिंथ के विश्वासियों से कहते हैं कि देखो, तुम्हारे बीच में प्रभु का वचन ज्ञान के साथ, प्रभु का वचन शक्ति के साथ आया, तुम लोगों ने उसको बहुत ही ज़्यादा उत्साह के साथ ग्रहण किया, लेकिन अब मैं तुमसे बात करता हूँ तो मैं तुम लोगों से ऐसे लोगों से बात करना चाहता था जो आत्मिक है, लेकिन तुम्हारी स्थिति तो यह हो गई है कि तुम लोगों से आत्मिक लोगों से जैसे बात की जाती है उस तरह से बात ही नहीं कर सकते हैं। मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। यहाँ दो अलग अलग बातें बताई गई हैं। देखिए, हम सब जो प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं, हमसे प्रभु उम्मीद करते हैं कि हम आत्मिक जीवन बिताएं, लेकिन आत्मिक जीवन का बिल्कुल उल्टा होता है शारीरिक जीवन। प्रभु का वचन यहाँ कहता है कि कुरिंथ में जो विश्वासी लोग हैं उनसे आत्मिक लोगों से जो बात की जाती है, मतलब गंभीर भारी बातचीत, उसको वो समझ नहीं पा रहे हैं। शारीरिक लोग, मतलब जिन्होंने कभी प्रभु यीशु को ग्रहण भी नहीं किया, ऐसे लोग जो आत्मिक सच्चाई को पूरी रीति से समझ नहीं सकते, ऐसे लोग जो आत्मिक रूप में शिशु हैं, ऐसे लोगों से जो बात की जाती है वैसे बात करनी पड़ी। कारण क्या है? कारण यहाँ लिखा है, ऐसे लोगों से, तुम लोगों से बात करते समय ऐसा लगा जैसे कि जो मसीह में बालक है ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं। हम इस बात को जानते हैं कि जब एक परिवार में एक बच्चा या बच्ची पैदा होती है तो वो जो नवजात शिशु है उससे नवजात शिशु के समान ही बात की जाती है। उसके बाद वो तोतली बोली में बोलने लगता है, हम भी कई बार उससे तोतली बोली में ही उससे बात करते हैं। लेकिन उसके थोड़े समय के बाद बच्चा धीरे धीरे जब बढ़ने लगता है तो तोतली बोली को छोड़कर वो स्वाभाविक उच्चारण करने लगता है। स्वाभाविक उच्चारण के बाद थोड़े और समय के बाद बच्चा एकदम से सामान्य बोलने लगता है। उसके कुछ समय के बाद जब वो जवान हो जाता है तो वो जवानों के समान बात करता है, और उसके बाद तो वो बिल्कुल परिपक्व लोगों के साथ समान बात करता है। आज इस सभा में जितने लोग एकत्रित हैं उनसे मैं उस भाषा का उपयोग कर रहा हूँ और उस उच्चारण का उपयोग कर रहा हूँ जो कि परिपक्व लोगों के बीच में बोली जाती है। इसके बदले यदि संदेश में मैं ये कहूँ, प्रभु के वचन के बारे में सुना है क्या तुम लोगों ने? कहानी अच्छी लगी क्या? एक और कहानी सुनाऊं क्या? इस तरह से यदि मैं आप लोगों से बातचीत करने लगूं तो आपको तुरंत लगेगा कि आज प्रभु के दास का कोई तो भी स्क्रू ढीला हो गया है जो परिपक्व लोगों से बच्चों के समान बात कर रहे हैं। इसका दूसरा पहलू, मान लीजिए कि मैं खड़े होकर अभी जैसे बोल रहा हूं नॉर्मल बोलूं और आप सब कहें नहीं नहीं समझ में नहीं आ रहा है, कहानी के रूप में सुनाइए, तो उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब है कि मेरे सामने जो परिपक्व लोग बैठे हुए हैं
जो उम्र में मैच्योर हैं उनकी स्थिति यह है कि उनके साथ प्रभु के वचन से किसी बात को परिपक्व तरीके से नहीं बोली जा सकती क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं। कुरिंथ में यह स्थिति हो गई थी। कुरिंथ में जब ये कुरिंथियों की पत्री लिखी गई थी इसके कुछ साल पहले प्रभु का वचन आया, शक्ति और सामर्थ के साथ लोगों ने प्रभु के वचन को ग्रहण किया पूर्ण समर्पण के साथ, उन्होंने जीवन बिताना शुरू किया पूर्ण समर्पण के बाद। 10-11 साल के बाद स्थिति ये हो गई कि कल तक जो लोग पूर्ण समर्पण के साथ प्रभु के वचन को पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, बोल रहे थे, आज उनके सामने ये कहा जाए कि आज मैं आत्मिक वरदानों के बारे में बोलना चाहता हूँ, तो उनको समझ में ही नहीं आए। उनसे तो यूँ बोलना पड़े, अच्छा याद है मैंने पिछले हफ्ते तुम लोगों को सुनाया था ना, हाँ वो कहानी याद है क्या, इस तरह से उनसे बोलना पड़ रहा है। यह है प्रभु के दास पौलुस के कहने का मतलब, यह है कि तुम जो कल तक मैच्योर थे, परिपक्व थे, आज तुमसे ऐसा बोलना पड़ रहा है जैसे जो मसीह में बालक हैं। सी यदि बालक से बालक के समान बोला जाए तो बिल्कुल सही है, बालक से बालक के समान ही तो बोलना चाहिए, लेकिन ये लोग तो आत्मिक जीवन में मैच्योर लोग थे, इन्होंने प्रभु को ग्रहण किया बहुत सालों पहले और बहुत परिपक्व जीवन बिता रहे थे, एकदम से बच्चों के समान व्यवहार करने लगे। कारण क्या है? कारण यही हमने दे, जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है, मतलब ये है कि एक व्यक्ति प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके जब अपने जीवन में बढ़ने लगता है, इस बीच यदि वो अपनी आत्मिकता को छोड़कर दुनियावी बातों की ओर फिर जाता है तो उसके मन में इस तरह के बदलाव आने लगते हैं कि आप कल तक आत्मिक जीवन में जो परिपक्व तरीके से मैच्योर तरीके से बोल सकता था और दूसरा जो उसके सामने परिपक्व तरीके से या मैच्योर तरीके से बोल रहा था उसको सुनकर समझ सकता था, एकदम से वो गायब हो जाता है। ये है प्रभु के वचन के कहने का मतलब। हम में से हर व्यक्ति अपने जीवन में आत्मिक जीवन बिताना चाहता है, हम में से हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा जीवन परिपक्व हो, लेकिन यदि हम जीवन में आत्मिकता को छोड़कर दुनिया के पीछे भागेंगे तो प्रभु का वचन कहता है कि इसके पहले या आज तक हमारे जीवन में जो मैच्योरिटी, जो प्रौढ़ता, जो परिपक्वता आई थी हम उसको भी खो देते हैं। और इसलिए प्रभु के वचन के बारे में जब हमसे कोई बोलता है तो बालक के समान हमसे बात करनी पड़ती है। दूसरे पद में हम देखते हैं, मैंने तुम्हें दूध पिलाया अन्य ना खिलाया क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे। ये कुरिंथ में जो चर्च है उसके आरंभ की बात हो रही है, जब एक व्यक्ति पहली बार प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता है तब उसको जिसने भी उसको जिस व्यक्ति जो व्यक्ति उसको प्रभु के पास लाया है वो या जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि उन लोगों को आत्मिक शिक्षा दे वो पहले प्रभु के वचन की सरल शिक्षाएं देता है। कैसे? बताता है उनको कि देखो ये प्रभु का वचन है, ये 1500 सालों में लिखा गया था, इसको 40 लोगों ने लिखा, इसमें पहली पुस्तक उत्पत्ति है, आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य है, पहला जो पूर्वार्ध है वो पुराना नियम कहलाता है, दूसरा उत्तरार्ध नए नियम कहलाता है, प्रभु यीशु संसार में, इस तरह की बातों से लेकर क्रमबद्ध तरीके से धीरे 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 उससे ज़्यादा भारी बातें बताता है। उद्धार या मुक्ति का मतलब क्या है, सूली पर प्रभु यीशु ने जो बलिदान दिया उस बलिदान में क्या क्या बातें शामिल थीं, आत्मिक जीवन में एक व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए, जब इन बातों की नींव पड़ जाती है तो उसके बाद प्रभु के वचन से और गहरी बातें सिखाई जाती हैं। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु का व्यक्तित्व, पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व,
त्रि एकत्व, हम जानते हैं कि परमेश्वर त्रि एक है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं, तीनों ईश्वर है लेकिन ईश्वर एक ही है। ये अपने आप में एक ऐसा उपदेश है जो उन लोगों को सिखाया जाता है या बताया जाता है जो अपने आत्मिक जीवन में परिपक्व हो चुके हैं। तो हम इस बात को जानते हैं, इस बात को समझते हैं कि आत्मिक जीवन में जब कोई व्यक्ति प्रभु के पास आता है तो एक 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 कदम करके हम उसको और भारी और भारी और भारी उपदेश सिखाते हैं। एग्जैक्टली जैसे बच्चे को, नवजात शिशु को माँ का दूध पिलाया जाता है, बाहर का दूध नहीं देते क्योंकि बाहर का दूध भारी होता है, लेकिन एक उम्र के बाद बच्चे को बाहर का दूध भी दिया जाता है। उसको शुरू शुरू में वेजिटेबल पका के दिया जाता है, फल दिया जाता है, उसके कुछ समय के बाद अन्न दिया जाता है। इसी तरह से हमारे आत्मिक जीवन में होता है। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि देखो, तुम लोग अच्छी तरह से अपने आत्मिक जीवन में दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते तुम्हारे जीवन में कोई बाधा आ गई, बाधा आ गई तो आत्मिक के बदले तुम अनात्मिक जीवन बिताने लगे, शारीरिक जीवन बिताने लगे, आत्मिक के बदले अनात्मिक, आत्मिक के बदले शारीरिक जीवन बिताने लगे, तो थोड़े दिन में तुम्हारी स्थिति ये हो गई कि तुम तो अन्न नहीं खा सकते। मैंने शुरू शुरू में अन्न खिलाया था, शुरू शुरू में दूध पिलाया था, उसके बाद अन्न तुमको देने लगा था, लेकिन आज मैं तुमसे बात करता हूं तो तुम्हारी हालत यह हो गई है कि फिर से अन्न के बदले तुमको दूध चाहिए। ये जो पोर्शन मैंने आपके सामने पढ़ के रखा है, ये हमको ये याद दिलाता है कि हर विश्वासी को अपने जीवन में ये याद रखना चाहिए कि जीवन में नियमित रूप से प्रोग्रेस हो, उन्नति हो, प्रतिदिन हमारे जीवन में बढ़ाव आना चाहिए। फसल लगाते समय उसकी जो हाइट होती है, काटते समय वो हाइट नहीं होती है, काटते समय वो काफ़ी बढ़ जाता है, परिपक्व हो जाता है, उसको काटना जरूर, काटने का समय आ गया होता है। आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही है, जब हमारा आत्मिक जीवन आरंभ होता है उस समय दूध, उसके बाद थोड़ा सा भारी अन्न, और उसके बाद ऐसी स्थिति आती है जब एकदम भारी अन्न खाया जा सकता है। यहाँ क्या हो गए, मैंने तुमको दूध पिलाया, क्यों, इसलिए कि तुम तो उस समय आत्मिक शिशु थे, दूसरा पद, तुम उसको नहीं खा सकते थे। लेकिन अफसोस ये है, प्रभु का वचन कहता है अब भी नहीं खा सकते क्योंकि तुम शारीरिक हो। तो आज हम में से हर व्यक्ति जरा मुड़कर अपने आत्मिक जीवन को देख ले। कई बार लोग कहते हैं जब मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया था उस समय मन में बहुत उत्साह था, मन में इतनी ऊर्जा थी कि मैं घंटों बैठकर प्रभु के वचन का अध्ययन करता था, प्रभु का वचन पढ़ता था, प्रभु के वचन का अध्ययन करता था, उसमें से प्रभु मुझे जो प्रकाश देते थे उसको मैं नोट करता चला जाता था। लेकिन आज स्थिति यह है कि प्रभु का वचन उठाता हूं तो ध्यान ही नहीं लगता, दो पद पढ़ता हूं तो ध्यान बट जाता है। यह किस बात का लक्षण है? प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन यह कहता है कि जब एक व्यक्ति आत्मिक जीवन में जन्म लेता है तब शुरू शुरू में तो वो ध्यान नहीं दे पाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो अपने आत्मिक जीवन में बढ़ता है तब उसकी यह स्थिति हो जाती है कि प्रभु के वचन की जो वजनी बातें हैं, जो भारी बातें हैं, उन पर भी वो ध्यान देने लगता है, उनको समझने लगता है। लेकिन वो व्यक्ति यदि अपने जीवन में ठंडा पड़ जाए, सांसारिक जीवन बिताने लगे, आत्मिक जीवन से मुड़ जाए, तो उसकी स्थिति होती है कि अब भी नहीं खा सकते। क्यों? इसलिए कि प्रभु में बालक के समान हमारा व्यवहार वापस हो गया है। उसके कुछ लक्षण भी दिए हुए हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये संभव है क्या कि एकदम से मैच्योर एक व्यक्ति, एकदम से परिपक्व एक व्यक्ति अपने जीवन में इमैच्योर, जो परिपक्व नहीं है, ऐसे लोगों के समान व्यवहार करने लगे? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है। यदि हम अपने दोस्त यारों के रूप में ऐसे लोगों को चुन लेते हैं
जिनको मैच्योरिटी से या परिपक्व जीवन से, परिपक्व चिंता से, परिपक्व सोच से कुछ भी लेना देना नहीं है, जो हमेशा बचकानी बातें करते हैं, बचकानी बातें सोचते हैं, बचकानी बातें करते हैं, करने के लिए प्रेरणा देते हैं, ऐसा देखा गया है कि इस तरह के लोगों के साथ यदि कोई व्यक्ति कुछ महीने या कुछ साल बिताए तो उसके आपके स्वयं के जीवन में बदलाव आने लगता है। वो भी बचकानी बात करने लगता है, वो भी बचकानी हरकत करने लगता है। आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। हमसे उम्मीद की जाती है कि हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे, आत्मिक व्यवहार करेंगे, लेकिन यदि हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने की बात को भूल जाएं तो आत्मिक से बहुत जल्दी हम सांसारिक हो जाएंगे, सांसारिक जीवन बिताएंगे और आत्मिक जीवन में परिपक्व बातों को समझ भी नहीं पाएंगे। आत्मिक जीवन में परिपक्व बातें कोई बोले तो उसका उपहास करने लगेंगे, कोई हमको आत्मिक रूप से दूध पिलाए तब हमको अच्छा लगेगा। ऐसे लोगों के बारे में कुछ लक्षण तीसरे पद में दिए हैं। दाह और झगड़ा, तीसरा पद, तुम अब तक शारीरिक हो कि तुम में दाह और झगड़ा है तो तुम शारीरिक नहीं हो क्या? देखिए, विश्वासियों के बीच में आपस में एक दूसरे के साथ जलन, दाह, मैलिस, प्रभु कतई हमसे उम्मीद नहीं करते कि हम ऐसा करेंगे। बच्चों के बीच में होता है। बच्चों को मान लीजिए कि मान लीजिए घर में पांच बच्चे हैं, पांचों को खाने की चीज काट के एक बराबर दे दिया जाए, इसके बावजूद उसमें से कम एक आध बच्चा कहेगा कि मम्मी आपने मुझे छोटा टुकड़ा दिया, बड़े भाई को बड़ा टुकड़ा दिया। सब घरों में होता है, सब घरों में होता है, सभी समूहों में ऐसा होता है। यह है डाह, ईर्ष्या, मैलिस। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि जब प्रभु के बच्चे अपने आत्मिक जीवन की उपेक्षा करके आत्मिक से शारीरिक सांसारिक जीवन में चले जाते हैं तो सबसे पहले उनके बीच में, उनके जीवन में जो दिखाई देता है, पहला लक्षण है प्रभु के वचन को ग्रहण नहीं कर पाते। ना तो वे पढ़ के उसको ग्रहण कर सकते हैं, ना ही दूसरों से सुन के उसको ग्रहण कर सकते हैं। नंबर टू, दाह, जलन, ईर्ष्या, मैलिस। जब भी मेरे आपके जीवन में एक अन्य व्यक्ति, अन्य विश्वासी के बारे में जलन या मैलिस की भावना आती है तो तुरंत हम अपने हृदय को जांच लें कि ये मैलिस, ये डाह हमारे अंदर जो आया है, कहीं इस बात को तो नहीं दिखा रहा कि हम अपने आत्मिक जीवन में आत्मिकता से सांसारिकता की ओर जा रहे हैं। दूसरी बात, झगड़ा। हम इस बात को जानते हैं कि एक घर में यदि पांच बच्चे हों तो पांचों एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, या कम से कम उसमें से चार जबरदस्ती एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, कारण हो कारण ना हो, कारण बना के एक दूसरे से वो लोग झगड़ा करते हैं। लेकिन यही बच्चे जब परिपक्व हो जाते हैं तो उसके बाद स्थिति बदल जाती है, एक दूसरे का आदर करने लगते हैं, एक दूसरे से स्नेह करने लगते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो एक दूसरे को याद करते हैं, एक दूसरे को याद करके वो लोग रोते हैं कई बार। ये जीवन में परिपक्वता का लक्षण है। लेकिन मान के चलिए कि उम्र हो गई है 50, खाने के लिए बैठे, हर बात में झगड़ा, तूने प्लेट ऐसा क्यों रखा है, सामने वाले से पूछ रहा हूँ, सामने वाला इससे पूछता है कि तूने पहले रोटी क्यों ली, पहले फलाना लेना चाहिए था, तीसरा इससे पूछता है कि मुझे पहले देना चाहिए था, तूने पहले क्यों लिया। इस तरह का व्यवहार यदि परिपक्व लोगों के बीच में दिखता है तो उसके लिए हिंदी में एक शब्द है, बचकाना, कि आदमी बड़ा हो गया है लेकिन व्यवहार बहुत ही बचकाना, मतलब बच्चों के समान है।
प्रभु का वचन याद दिलाता है कि एक व्यक्ति आत्मिकता को छोड़कर जब वो सांसारिकता की ओर उन्मुख होता है तो उसके जीवन में पहले तो प्रभु का वचन नहीं ग्रहण कर पाता, दूसरी बात उसके जीवन में जलन की भावना आती है, तीसरी बात वो सबसे झगड़ा करने लगता है। चौथी बात, क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ, दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? ये क्या है? घमंड। मैं पौलुस की पार्टी का हूँ। तो दूसरा बोलता है अरे पौलुस तो कल आया था, उससे पहले था पत्रस, मैं पत्रस की पार्टी का हूँ, मतलब अपने घमंड को दिखाना। तो चार बातें हम यहाँ पर देखते हैं। जो भी व्यक्ति अपने आत्मिक जीवन में परिपक्वता की तरफ जा रहा था, वो यदि अपने जीवन में जो बढ़त है उसको छोड़कर दुनिया की तरफ मुड़ जाता है, तो परिपक्व से परिपक्व व्यक्ति भी बालक से ज़्यादा बालकपन दिखाने लगता है, प्रभु का वचन ग्रहण नहीं कर पाता है, दाह हर व्यक्ति से डाह करता है, हर व्यक्ति से झगड़ा करता है और अपने आत्मिक जीवन में घमंड की भावना आ जाती है। आज जितने भाई और बहन प्रभु का वचन सुन रहे हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ। आज से कुछ हफ्ते पहले या कुछ महीनों पहले या कुछ सालों पहले मैंने और आपने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया होगा। ग्रहण करने के बाद शुरू के महीनों में बहुत ही उत्साह के साथ प्रभु का वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, प्रभु ने हमको जो दिया है उसमें से एक हिस्सा प्रभु को देना, हमारे आसपास जितने लोग हैं उनको प्रभु यीशु के बारे में बताना, आत्मिक विषयों के बारे में चर्चा करना, आत्मिक विषयों को पढ़ना, ये शायद हमारी आदत थी। लेकिन कई बार जीवन में ऐसा अवसर आता है जब जाने अनजाने ये सब पहले तो रुक जाता है, पहले धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है, उसके बाद रुक जाता है, उसके बाद वापस बालकपन की ओर दौड़ने लगते हैं। जरा रेस का उदाहरण ले लें, मान के चलिए कि 25 लोग 400 मीटर की रेस दौड़ रहे हैं, शुरू के 100 मीटर के बाद एक आदमी धीमा हो जाता है। जो व्यक्ति धीमा हो जाता है वो आगे को जा रहा है या पीछे को जा रहा है? देखिए, एक तरह से कहा जाए तो आगे को जा रहा है, क्यों? लच्छी को छोड़कर हाँ हर सेकंड आगे जा रहा है, लेकिन उसके अपने जो साथी थे जिनके साथ वो दौड़ रहा था, जो लच्छी की तरफ दौड़ रहे हैं उनकी तुलना में वो आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है? उनकी तुलना में तो वो पीछे जा रहा है, उनकी तुलना में वो पिछड़ रहा है। तो आत्मिक जीवन में जिस क्षण हम किसी न किसी कारण से अपनी दौड़ में धीमा पड़ जाते हैं तो उसके साथ पिछड़ने लगते हैं, और पिछड़ने का ये क्रम यदि बहुत समय तक चलता रहा तो हम निराश हो जाते हैं, और निराश हो जाने का ये क्रम यदि बहुत समय तक चलता है तो हम वापस जहाँ से आए थे वहीं को चले जाते हैं। आज शाम को जितने भाई और बहन प्रभु की वाणी सुन रहे हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, उन सब से पूछना चाहता हूँ, प्रिय भाई प्रिय बहन, जरा उस क्षण को देखें आज से हफ्तों महीनों सालों पहले जब आपने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके एक नया जीवन पाया था। जरा उस क्षण को और उसके बाद के कुछ महीनों और सालों को सोच कर देखें जब आत्मिक जीवन में पूर्ण उत्साह के साथ आप दौड़ रहे थे, कैसी अनोखी बात है। उस समय आपके मन में यही गाना था, है ना, पापी मैं था आपसे दूर बचा लिया है प्रभु, दया है आपकी और इस कारण मैं आपके पीछे दौड़ता आऊँगा।
अब जरा आज के अपने जीवन को देखिए, आज के जीवन में आप उतने ही उत्साह के साथ दौड़ रहे हैं क्या? प्रभु का पीछा कर रहे हैं क्या? प्रभु के वचन का अध्ययन कर रहे हैं क्या? उस समय आप अपने समय को जिस तरह से डिवाइड करते थे, संसार को समय देना है, प्रभु को समय देना है, आप जिस तरह से प्रभु को, प्रभु के कार्यों को, प्रभु के वचन को समय देते थे, आज उसी तरह से समय देते हैं क्या? आज इस संध्या को हम में से कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं, मैंने जब प्रभु को ग्रहण किया था तब जिस उत्साह के साथ आत्मिक जीवन में भाग रहा था, आज उसी उत्साह के साथ मैं आत्मिक जीवन में अभी भी भाग रहा हूँ, कौन कह सकता है? यदि नहीं कह सकते हैं तो उसका मतलब है कि हमने कल, परसों या कभी तो कभी अपनी दौड़ को ढीला किया और उसके बाद एक समय के बाद भागना बंद कर दिया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? आत्मिक जीवन में परिपक्वता से हम जो है बालकता की ओर वापस आए, और उसके कारण आत्मिकता से हम सांसारिकता की ओर चले गए हैं। यदि इस सभा में ऐसा कोई भाई या बहन है जो आज अपने आत्मिक जीवन के बारे में इस तरह से सोचता है या सोचती है, तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। संसार किसी भी व्यक्ति को परीक्षा में पास होने के लिए दो या तीन अवसर देता है। मुझे नहीं मालूम इन दिनों स्कूलों में और कॉलेजों में क्या स्थिति है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था उस समय कॉलेज में यदि आप एक विषय में फेल हो गए तो आपको आगे बढ़ा देते थे, आप जिस विषय में फेल हुए हैं उसमें आपको आगे एग्जाम देना पड़ता था, जिसको सप्लीमेंट्री कहते हैं, उसमें भी आप फेल हो गए तो आपको एक चांस और देते थे, आपको आगे बढ़ाते चले जाते थे, लेकिन आपको एक दूसरा चांस देते थे जिसको सप्लीमेंट्री सेकेंड चांस बोलते थे। यह मैं 1970 वगैरह की बात कर रहा हूँ। सप्लीमेंट्री सेकेंड चांस में यदि कोई व्यक्ति फेल हो जाए तो उसके बाद उसका अवसर समाप्त हो जाता था, उसको वापस उस क्लास में जाना पड़ता था जहाँ वो फेल हो गया। मतलब आप बीएससी फर्स्ट ईयर में जब थे तब मान लीजिए आप मैथ्स में फेल हो गए, आपको सेकेंड ईयर में बढ़ा दिया, सेकेंड ईयर में सारे सब्जेक्ट्स में पास हो गए, सप्लीमेंट्री में आप फेल हो गए तो आपको थर्ड ईयर में भेज देते थे, और तब आपको फर्स्ट ईयर का सप्लीमेंट्री का एग्जाम देना पड़ता था। लेकिन मान के चलिए कि आप सप्लीमेंट्री सेकेंड चांस में भी फेल हो गए तो आप जो थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं ना, खत्म, आपको फिर से वापस जाके जब तक आप सप्लीमेंट्री का एग्जाम नहीं पास करते तब तक आप वापस नहीं जा सकते, ऐसी स्थिति हो जाती थी। संसार अवसर देता है लेकिन सिर्फ सीमित अवसर, दो या तीन अवसर, लेकिन प्रभु की जो कृपा है वो यह है कि यदि मेरे आपके जीवन में हार होती है, पराजय होता है, गलती होती है, तो प्रभु हमको एक दूसरा अवसर देते हैं, तीसरा अवसर देते हैं, चौथा देते हैं, कितने अवसर देते हैं प्रभु? हमारे सारे जीवन भर हमको अवसर देते हैं कि हम वापस जाएं। इसका उदाहरण प्रभु ने एक बार अपने एक शिष्य को दिया था। प्रभु के एक शिष्य ने आके पूछा, हे प्रभु, आप तो क्षमा करने के बारे में बड़ी बड़ी बातें बोला करते हैं, यदि मेरा भाई मुझसे कोई गलती करता है और आके क्षमा मांगे तो हे प्रभु मैं कितनी बार क्षमा करूं? उसने सोचा प्रभु बोलेंगे दो तीन बार क्षमा कर दो, तो उसने जानबूझ के एक बड़ी संख्या प्रभु के सामने रखी, हे प्रभु मैं 7 बार माफ करूं क्या? प्रभु का क्या जवाब था? प्रभु का जवाब था 7 के 70 गुणा क्षमा करो, मतलब 490 बार क्षमा करो। इसका क्या मतलब? जब प्रभु हम नश्वर मनुष्यों से कहते हैं कि एक भाई को या बहन को 7 के 70 गुणा क्षमा करो, मतलब हम जो नश्वर है यदि हम एक हमको ये करना है तो अनादि अनंत शाश्वत करुणामय प्रभु कितनी बार क्षमा करेंगे, कितनी बार अवसर देंगे? अनगिनत, अनगिनत अवसर देंगे। इस कारण यदि आज कोई भाई या बहन इस सभा में है
जो ये सोचता है कि प्रभु मुझसे गलती हो गई है और प्रभु एक नहीं अनेक बार मुझसे गलती हुई है, मैं आपसे दूर चला गया था, आज मैं वापस आना चाहता हूँ, तो प्रभु का कहना यह है कि तुम तुरंत आ जाओ। इसका एक उदाहरण भी प्रभु ने दिया था। एक पिता था जिसके दो बेटे थे। उस धनी आदमी था, उससे उसके छोटे बेटे ने पिता से कहा, प्रॉपर्टी में मेरा जो हिस्सा है पापा मुझे दे दो। ये कहानी आप जानते हैं। उड़ाऊ पुत्र जब सब कुछ उड़ा चुका, नंगा भूखा बदबूदार जब वो अपने घर वापस आया, तो पिता ने उसको ग्रहण किया, ये भी हम जानते हैं। लेकिन क्या आपने इस बात को कभी ध्यान दिया है, उस कहानी में से प्रभु जब कोई उपमा देते थे तो उसमें एक शब्द भी व्यर्थ नहीं होता था। प्रभु ने उड़ाऊ पुत्र की जो कहानी सुनाई उसमें साफ लिखा हुआ है कि पिता ने जब अपने बेटे को दूर से आते देखा तो दौड़ के पुत्र के पास गया। इस पे कभी ध्यान दिया है क्या आपने? हम यदि अपने जीवन में माफी मांगना चाहते हैं, माफी मांगने के लिए तैयार हैं, तो प्रभु तो उससे ही पहले तैयार बैठे हुए हैं। वो पिता अपनी डिग्निटी भूलकर, उस शहर का धनी पिता था, धनी व्यक्ति था, वो दौड़ के जाएगा तो सारे दास देखेंगे कि आज तो बड़े मालिक दौड़ रहे हैं, क्या बात है, और नौकर देखेंगे, अरे बाप रे, मैला कुचेला अधनंगा बदबूदार कोई भिखारी आ रहा है और बड़े बादशाह उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। पिता के हृदय को दिखाता है, पिता का हृदय। हम तैयार हैं तो उससे पहले ही क्षमा देने के लिए तैयार है, इस बात को याद दिलाता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि पिता दौड़ के जाके उसके गले लग के, इंग्लिश में उसका अनुवाद है फेल अपॉन हिज नेक, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा अनुवाद है कि अपने बेटे के कंधे पर पिता सर रख दिया पिता ने, और रोने लगे, उसको चूमने लगे, वो जो बदबूदार, वो जो किसी भिखारी से भी खराब हालत जिसकी थी। आज शाम को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हम में से कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि मैं जब से मैंने मुक्ति पाई थी तब से आज तक जीवन में कभी कोई गलती नहीं की, कभी मैं प्रभु से दूर नहीं गया। हम में से हर व्यक्ति कम या ज़्यादा समय के लिए प्रभु से दूर जाता है, कभी निराशा के कारण, कभी जलन के कारण, कभी इवन बीमारी कमजोरी या लाचारी के कारण हम प्रभु से दूर चले जाते हैं। लेकिन याद रखें, प्रभु हमको वापस आने के लिए 2, 3, 4, 5, 7 या 7 के 70 गुना नहीं, प्रभु हमको 80 अवसर देते हैं वापस आने के लिए। और इस कारण आज संध्या को यदि प्रभु की वाणी जो भाई और बहन सुन रहे उनमें से यदि किसी को लगता है कि मैं छोटी या बड़ी बात में प्रभु से दूर चला गया था या चला गया हूँ, तो आज अवसर है कि प्रभु की जो असीमित क्षमा है उसको पहचान कर प्रभु के पास वापस आए। प्रभु इस कार्य को करने के लिए हम में से हर एक की मदद करें। इस संध्या, इस सभा में एकत्रित भाई और बहनों में से यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने आज तक प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके शाश्वत जीवन नहीं पाया है, तो मेरा अनुरोध है कि आत्मिक जीवन का पहला कदम शाश्वत जीवन पाना है, दूसरा कदम है बाकी सारी बातें जो आज मैंने आपको बताई थीं। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आपको शाश्वत जीवन मिल चुका है, तो मेरा अनुरोध है कि आज शाम को आकर हम में से किसी से बात कीजिए, हम ये बात आपको बहुत ही सरल तरीके से समझा देंगे, जिससे आप भी उस जीवन को पा सकें जो मैंने पाया है, यहाँ कई भाइयों ने पाया है। आपके सामने आज शाम को उन्होंने गाया, पापी मैं था आपसे दूर,
बचा लिया, दया है आपकी, उन लोगों ने वो बचाव वो मुक्ति पाई है, वो मुक्ति आपके लिए भी उपलब्ध है, उस मुक्ति को पाना ना भूलें। प्रभु इस सत्संग में जितने लोग एकत्रित हैं सबके ऊपर अपना अनुग्रह दें।